हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। और आज हम बात करेंगे हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को, यानी हृदय की आंतरिक संरचना, कि हार्ट अंदर से कैसा दिखता है। तो सबसे पहली चीज़ देखेंगे हम कि जो हार्ट है वो किससे बना होता है। तो हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। हार्ट कैसा है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पेशीय संरचना है, यानी मसल से मिलकर बना हुआ है, पेशियों से मिलकर बना हुआ है। कौन सी टाइप की मसल्स होती हैं? तो देखिए, कार्डियक मसल। कौन सी मसल्स होती हैं? कार्डियक मसल्स होती हैं, विच इज अ मिक्स्ड टाइप मसल्स भी आप इनको कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ जो कार्डियक मसल्स हैं, हृदय पेशियां। कार्डियक मसल का मतलब हो गया आपका हृदय पेशियां, ठीक है ना। ये कार्डियक मसल स्ट्रक्चर में कैसी होंगी? लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका। इनका स्ट्रक्चर होता है स्केलेटल मसल या स्ट्रीटेड मसल की तरह, स्ट्रीटेड मसल की तरह, यानी रेखित पेशियों के समान आपको इसकी संरचना देखने को मिलेगी। और अगर फंक्शनली आप देखें कि इनका फंक्शन कैसा होता है कार्डियक मसल का, तो ये होते हैं आपके नॉन वॉल्यूंट्री। कैसी होती हैं ये मसल्स? नॉन वॉल्यूंट्री। नॉन वॉल्यूंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक पेशियां। तो जो इनका कार्य है वो अनैच्छिक, यानी इनके कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, संकुचन और शीतलन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। तो हृदय पेशियां या कार्डियक मसल एक मिक्स्ड टाइप की मसल्स हैं, जिनका स्ट्रक्चर स्ट्रीटेड मसल की तरह होता है और जिनका फंक्शन जो है आपका वो नॉन वॉल्यूंट्री या फिर स्मूथ मसल आप कह सकते हैं उनकी तरह होता है। तो दो अलग अलग मसल्स के फीचर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? कार्डियक मसल्स में। और कार्डियक मसल ओनली एंड ओनली फाउंड इन हार्ट। कहाँ मिलेगी? केवल और केवल आपको हार्ट के अंदर ही देखने को मिलने वाली है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर जो ध्यान में रखना है वो कि जो हार्ट की हार्ट्स वॉल थिकनेस, ठीक है ना, हार्ट की वॉल की जो थिकनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है आपकी, डिपेंड्स ऑन मायोकार्डियम, जो आपकी मिडिल लेयर है। मैंने आपको बताया था हार्ट की वॉल में कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं? 3 layers आर प्रेजेंट, है ना। जो हृदय की भित्ति है उस हृदय की भित्ति में कितनी परतें? 3 परतें उपस्थित हैं। कौन कौन सी? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो जो मायोकार्डियम होती है, जिस मायोकार्डियम के अंदर आपकी कौन से टाइप की मसल्स? कार्डियक मसल्स देखने को मिलती हैं। कौन सी मसल्स देखने को मिलती हैं? कार्डियक मसल देखने को मिलती हैं। इस मायोकार्डियम की थिकनेस के ऊपर ही डिपेंड करती है हार्ट की वॉल, यानी जो आपके ऑरिकल्स हैं, जो आपके वेंट्रिकल्स हैं, उनके वॉल की थिकनेस, उनके वॉल की थिकनेस को डिसाइड कौन करता है? कौन सी लेयर करती है? मायोकार्डियम डिसाइड करती है। यानी मायोकार्डियम अगर मोटा है तो हार्ट के उस पोर्शन का जो वॉल की थिकनेस है वो ज़्यादा होगी, और अगर मायोकार्डियम जो है वो पतला है तो वहाँ पर उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी? वॉल की कम हो जाएगी। उसके बाद में बात करें कि इंटरनली अगर देखें तो जो ह्यूमन बींग्स का हार्ट है वो होता है भैया 4-chambered। कैसा होता है? 4-chambered हार्ट होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। और 4-chambered में भी कौन कौन से? तो 2 होते हैं आपके ऑरिकल्स और 2 होते हैं आपके वेंट्रिकल्स, ठीक है ना, जिसे आप कहते हैं 2 आलिंद और 2 निलय। इनके बीच में सेप्टा की बात भी मैं लास्ट कर चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर, कि भाई दोनों ऑरिकल्स के बीच में इंटर एट्रियोलर या फिर इंटर ऑरिकुलर सेप्टा प्रेजेंट होता है, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा प्रेजेंट होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल के बीच में इंटर ऑरिकुलर और इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकल सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से अपने को पता है कि 4-chambered हार्ट है। कितना? 4-chambered हार्ट है, जिसमें 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट हैं और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये तो बात हुई बिल्कुल बेसिक सी कॉमन बात, किसके बारे में? हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब आ जाते हैं हम हार्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर।
हार्ट का स्ट्रक्चर स्टडी करें उससे पहले आपको डबल सर्कुलेशन का एक छोटा सा डायग्राम ध्यान में रखना है, जिसको मैं बिल्कुल सिंपल वे में बना रहा हूँ। देखिए, ये आपका हार्ट है और इस हार्ट के मैं यहाँ पर चार चैम्बर आपके बना देता हूँ, ठीक है ना। ये आपके फोर चैम्बर हो गए हार्ट के। एक हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसी तरीके से हो गया आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। आपको पता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो प्योर ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, तो ये प्योर ब्लड मैंने यहाँ पर लिख दिया। और जो राइट वाला पोर्शन है वो इम्प्योर ब्लड को, अशुद्ध रुधिर को कैरी करता है, तो यहाँ पर मैंने इम्प्योर ब्लड लिख दिया, ठीक है। ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं लंग्स, और यहाँ पर मैंने ले ली बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, टिश्यू हैं, सेल्स हैं, वो ले लिया हमने, ठीक है ना। बॉडी के पार्ट्स ले लीजिए आप, सेल्स ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो कि हार्ट के अंदर ब्लड अगर आता है तो वो किससे आता है, वेन से यानी शिराओं से आता है। तो लंग से जो प्योर ब्लड है वो आता है आपका लेफ्ट एट्रियम में, आता है किसके थ्रू आएगा, तो ये आएगा आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू। किसके थ्रू आ जाएगा, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाएगा। इसी टाइप से अगर लेफ्ट एट्रियम से ये कहां जाएगा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आपके ऑर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चला जाएगा। ये मैंने यहां पर लिख दिया ऑर्टा। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंप्योर ब्लड को कलेक्ट करने का काम कौन करता है, वानाकावा। तो यहां से बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वानाकावा जो इंप्योर ब्लड है वो कहां लाएगी, राइट एट्रियम के अंदर। तो ये हो गया आपका वानाकावा, ठीक है ना। वानाकावा कहां ले आई, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पहुंचा दिया जाएगा, लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां चला गया, लंग्स में चला गया। सिंपल सा एक डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है। जब मैं यहां इस डायग्राम के अंदर ये पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ओल्टा, वानाकावा इनकी बात करूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन ब्लड कहां से ले रहा है और कहां दे रहा है। तो ध्यान में रखना, पल्मोनरी वेन यानी हमेशा फुफ्फुसीय शिराएं, ये हो गई आपकी फुफ्फुसीय शिरा, ये हो गई आपकी फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है ना, ये हो गई आपकी महाशिरा और ये हो गई आपकी महाधमनी। तो क्या हुआ, फुफ्फुसीय शिरा से ब्लड आएगा ना हमेशा हृदय के अंदर, रुधिर किससे आता है, शिराओं से आता है। तो ध्यान में रखें, फुफ्फुसीय शिराओं से या पल्मोनरी वेन के थ्रू जो आपका प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया, बाएं आलिंद में आ गया। बाएं आलिंद से वो कहां आ गया, बाएं निलय के अंदर आ गया। बाएं निलय से वो महाधमनी और विभिन्न प्रकार की धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों, ऊतकों, कोशिकाओं तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद में क्या होता, देखें कि शरीर में उपापचय की प्रक्रिया के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, और यहाँ से अशुद्ध रुधिर को महाशिरा कलेक्ट करके और कहां डालती है, राइट एट्रियम के अंदर यानी दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से रुधिर कहां गया, दाएं निलय में, और दाएं निलय से भाई ले जाने का काम कौन करता है, हमेशा धमनियां करती हैं, लाने का काम कौन करता है, शिरा। तो यहां से ले जाएगी ना, तो कौन ले जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी आपके लंग्स तक ले जाएगी। इस तरीके से डबल सर्कुलेशन पूरा होता है। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं, देखें यहां पर कि हमने ये बात तो कर ली कि भाई मस्कुलर स्ट्रक्चर है, कार्डियक मसल्स है, दो ऑरिकल्स और दो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में देखें कि जो ऑरिकल्स हैं उनकी वॉल की जो थिकनेस है वो वेंट्रिकल से कम होती है ना, जो आपके ऑरिकल्स हैं। तो ध्यान में रखें, ऑरिकल्स, ऑरिकल्स की बात करें तो ऑरिकल्स आपके दो हैं, लेफ्ट और राइट। तो इसकी वॉल की जो थिकनेस है, वॉल थिकनेस लेस देन वेंट्रिकल्स, लेस देन
वेंट्रिकल्स, यानी जो आपके वेंट्रिकल हैं इनकी वॉल की थिकनेस, ये दिख रही है आपको, ये काफ़ी ज़्यादा वॉल थिक है, जबकि ये आपके एट्रिया या ऑरिकल्स हैं, इन ऑरिकल्स की जो वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है। तो ध्यान में रखें, ऑरिकल की जो वॉल है वो क्या होती हैं, थिन होती हैं, और जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी वॉल कैसी होती है, उनकी वॉल हो जाती है काफ़ी ज़्यादा थिक, ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसी वजह से आप कह सकते हैं ऑरिकल का जो साइज है वो छोटा होता है, वेंट्रिकल का साइज थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। अब चलिए अपन आ जाते हैं थोड़े से डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम में सबसे पहले तो मैं चारों चैम्बर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि चारों चैम्बर्स आपके कौन कौन से हैं। तो देखिए आप, ये रहा आपका लेफ्ट एट्रियम, बायां आलिंद, ठीक है ना, ये है आपका बायां आलिंद। जस्ट आपको नीचे की तरफ क्या मिलेगा, ये आपका राइट एट्रियम, बायां निलय, यानी ये पूरा का पूरा लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया। लेफ्ट वाले पोर्शन में कौन सा प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। इसी तरीके से अगर हम राइट साइड की बात करें तो ये हो गया आपका राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, ठीक है ना, दायां आलिंद, और इसी तरीके से हम बात करें तो ये रहा आपका जो नीचे की तरफ ब्रॉड चैम्बर है वो आ जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल, जिसे अपन कहेंगे दाया निलय। अब आपको यहाँ पर वॉल की थिकनेस तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो एट्रियम है इन एट्रिया की जो वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, यानी आलिंद की भित्तियाँ पतली होती हैं, निलय की भित्तियाँ क्या होती हैं, मोटी होती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये रही आपकी थिक वॉल ऑफ वेंट्रिकल, है ना, यानी आप कह सकते हैं कि निलय की मोटी भित्ति। तो आपके चारों चैम्बर हो गए, दोनों आलिंद हो गए और दोनों निलय हो गए। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक सेप्टा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ये सेप्टा कौन कौन से हैं। तो देखिए मैं आपको पहले सेप्टा बता देता हूँ कि ये है आपका इंटर ऑरिकुलर सेप्टा, क्या है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। इंटर ऑरिकुलर सेप्टा किसके बीच में होगा, ये आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में जो सेप्टा प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टा, अंतर आलिंदीय पट, अंतर आलिंदीय पट। तो अंतर आलिंदी पट आपका बाएं आलिंद और दाएं आलिंद दोनों के बीच में हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं बिटवीन लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, ठीक है ना, दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से मैं बात करता हूं तो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक सेप्टा प्रेजेंट होता है, जिसको आप कह सकते हो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, यानी अंतर निलयी पट आप कह सकते हैं। क्या लिखेंगे हम हिंदी में इसको, अंतर निलयी पट, ठीक है ना। तो दोनों जो आपके वेंट्रिकल्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है, तो ये आप लिख देंगे बिटवीन लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है ना।
दोनों एट्रियम के बीच में कौन सा, इंटर ऑरिकुलर सेप्टा, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, यानी दोनों आलिंद के बीच में अंतर आलिंदी पट, दोनों निलय के बीच में अंतर निलय पट। तो यहां पर देखिए कि इंटर ऑरिकुलर तो सेप्टा आपको दिखाई नहीं देगा बिकॉज ऑफ वो आपकी जो वाना कावा जो आपके ऑर्टा है उसके बैक साइड में रह गया, ठीक है ना। लेकिन आपको दोनों के बीच में ये जो आपको चेंबर है, ये जो आपको सेप्टा दिख रहा है, ये आप इजी वे में बता सकते हो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। तो ये रह गया आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, अंतर आलिंदी सॉरी अंतर निलयी पट हो गया आपका, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए एक और सेप्टा यहां पर प्रेजेंट होता है, थर्ड कौन सा सेप्टा प्रेजेंट होगा, तो तीसरा जो आपका सेप्टा है वो किसके बीच में, एक एट्रियल, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, या फिर आप कह सकते हो एक आलिंद और एक निलय के बीच में। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर, ठीक है ना, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, जिसको आप बोलते हो अंतर आलिंद निलयी पट, अंतर आलिंद निलयी पट कहेंगे। कहां प्रेजेंट होगा, तो बिटवीन एट्रियम और वेंट्रिकल, ध्यान में रख लेंगे, बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है ना, यानी आलिंद और निलय के बीच में। तो यहां पर देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज, आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्चर भी मैंने आपको आपकी बुक से काफी सिंपल फॉर्म में डायग्राम बनाया है ताकि आप स्ट्रक्चर से इजी वे में उसको समझ सको, उसकी थ्योरी लिख सको। तो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आ जाए आपके बोर्ड के अंदर तो आपको क्या बताना है, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि सबसे पहली चीज तो कि जो हर्ट की वॉल है वो कितनी में, कितनी लेयर्स में से मिलकर बनती है, तीन लेयर से, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है वो आपकी कार्डियक मसल से मिलकर बनती है, और कार्डियक मसल एक टाइप की मिक्स्ड मसल है जिसका स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल की तरफ, जिसका फंक्शन जो है वो आपका कौन सी तरह नॉन वॉलंटरी फंक्शन होता है, स्मूथ मसल की तरह होता है। उसके बाद में आपको बताना है फोर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, चारों चैम्बर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको बता रखी है। उसके बाद में आपको बताना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हम चल रहे हैं, कि सेप्टा कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो तीन तरह के आपको सेप्टा बताना है, दोनों जो आपके एट्रियम है उनके बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टा, दोनों वेंट्रिकल्स हैं उनके बीच में जो सेप्टा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, और एक एट्रियम और एक वेंट्रिकुलर के बीच में जो सेप्टा है उसको आप इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा बता देंगे। तो सेप्टा की बात यहां पर कंप्लीट हुई। अब डायग्राम में आपको सेप्टा देखना है, तो ये रहा आपका, देखिए ये तो था इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, यहां पर कहीं आप बता सकते हैं आपका कौन सा सेप्टा हो जाएगा, इंटर आपका ऑरिकुलर सेप्टा हो जाएगा, ठीक है ना, वो हम यहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं डायग्राम में। उसके बाद में थर्ड जो था आपका इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, ये रहा देखो आपका इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, तो इसको हम यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये रहा आपका इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले साथ साथ में इसकी हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मैं हिंदी यहां पर बता रहा हूं आपको, अंतर आलिंद निलयी पट। तो ये हो गए आपके अंतर आलिंद निलयी पट, इधर भी होंगे और इधर भी होंगे, ठीक है ना, ये आपके इधर से ये अंतर आलिंद निलयी पट हो जाएंगे, इधर दोनों ये आपके अंतर आलिंद निलयी पट हो गए। अब बात कर लेते हैं, देखिए कि इन सेप्टा के अंदर क्या कोई वाल्व्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे वाल्व्स की, कि हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर देखें तो टोटल कितने वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहां पर आपको कितने वाल्व्स मिलेंगे, हार्ट के अंदर आपको 6 वाल्व्स मिलेंगे, कितने वाल्व्स मिलेंगे, 6 वाल्व्स मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, देखिए हम एक एक वाल्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका लेफ्ट एट्रियम है और सॉरी लेफ्ट एट्रियम और आपका ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, सॉरी है ना, इसको आप लेफ्ट वेंट्रिकल कर देंगे,
तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है, इस सेप्टा के ऊपर वाल्व प्रेजेंट होता है यहां पर, ठीक है ना। और ये होता है आपका बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं इसको? इसको हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये है आपका बाइकस्पिड वाल्व। अब बाइकस्पिड वाल्व जो है इसको आप मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वाल्व, ठीक है ना, यानी द्विवलनी कपाट। अब द्विवलनी क्यों बोला? बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो है दो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने फोल्ड्स होते हैं? दो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? बाइकस्पिड या द्विवलनी कपाट कह दिया, ठीक है। तो एक हो गया आपका फर्स्ट वाल्व आ जाता है यहां पर, कौन सा? बाइकस्पिड वाल्व। किसके बीच में होता है बाइकस्पिड वाल्व? तो आपको यहां पर बताना है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है आपका, वो कौन सा होता है? बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से देखें, इसी तरीके का वाल्व आपको कहां देखने को मिलेगा? यहां देखने को मिलेगा। किसके बीच में? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। और ये होता है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। कैसा होता है? ये है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। क्यों ट्राइकस्पिड? क्यों कहा? वहां पर दो कस्प, कस्प का मतलब जो फोल्ड्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो यहां पर दो फोल्ड्स थे, इसलिए आपने क्या कहा? बाइकस्पिड वाल्व। ये है आपके ट्राइकस्पिड वाल्व। इसमें कितने फोल्ड होंगे? तीन फोल्ड होंगे। तो ध्यान में रखें, इसे हम कहते हैं द्विवलनी कपाट। क्या कहते हैं? द्विवलनी कपाट। और जो आपका सेकेंड आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्राई कस्पिड वाल्व। ट्राई कस्पिड वाल्व किसके बीच में प्रेजेंट होता है? बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना, यानी दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में। कौन सा है? त्रिवलनी कपाट। कितने हो गए? दो वाल्व हो गए। उसके बाद में देखिए कि आपका एक प्रेजेंट होता है यहां पर कि जो आपकी इंफीरियर वाना कवा, ये है आपकी इंफीरियर वाना कवा। क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे इंफीरियर वाना कवा, इंफीरियर वाना कवा। पश्चिम महाशिरा जो नीचे से आ रही है, ठीक है ना, इस इन्फीरियर वानाकावा की जहां ओपनिंग होती है, ये रही इन्फीरियर वानाकावा की ओपनिंग, इस ओपनिंग पर होता है यूस्टेकियन वाल्व। तो हम यहां पर कह सकते हैं यूस्टेकियन वाल्व, ठीक है ना, ये है आपका यूस्टेकियन वाल्व। तो थर्ड नंबर का वाल्व कौन सा हो गया आपका? यूस्टेकियन वाल्व, यूस्टेकियन वाल्व। हिंदी में भी इसको यूस्टेकियन वाल्व ही कहेंगे, ठीक है ना। किसके किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? तो ध्यान में रखें, प्रेजेंट ऑन ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वानाकावा, इंफीरियर वानाकावा, यानी वानाकावा जो आपकी पश्चिमाशिरा या जो इंफीरियर वानाकावा है, वो कहाँ खुलेगी? राइट एट्रियम में खुलेगी। और राइट एट्रियम में जिस पोर से, जिस छेद से वो खुलती है, उस छेद के ऊपर, उस पोर के ऊपर एक वाल्व प्रेजेंट होता है। इस वाल्व को बोलते हैं यूस्टेकियन वाल्व। क्या बोलते हैं इसको? यूस्टेकियन वाल्व बोलते हैं। कितने हो गए आपके? तीन हो गए। उसके बाद में आ जाता है फोर्थ। फोर्थ जो है आपका, वो है आपका थिबेसियन वाल्व, थिबेसियन वाल्व। थिबेसियन वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? तो थिबेसियन वाल्व की जो हार्ट की मसल से या हार्ट की वॉल से जो ब्लड आता है आपका राइट एट्रिया के अंदर, वो एक पोर के थ्रू
किस में खुलता है? राइट एट्रिया में। इस पोर को आप क्या बोलते हैं? इस पोर को आप बोलते हैं कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस बोलते हैं। और इस कोरोनरी साइनस के ऊपर ये जो आपको वाल्व दिख रहा है, इस वाल्व को बोलते हैं थिबेसियन वाल्व। क्या बोलते हैं इसको? थिबेसियन वाल्व। तो ये यहां पर ये जो है आपका, ये है आपका थिबेसियन वाल्व, ठीक है ना। ये क्या है आपका? थिबेसियन वाल्व। तो ध्यान में रखना, थिबेसियन वाल्व कहां है? प्रेजेंट ऑन ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या है? कोरोनरी साइनस कौन सा छेद है जहां से पूरी हार्ट की वॉल से जो इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, वो दाएं आलिंद में जिस छेद के द्वारा आता है उस छेद को बोलते हैं कोरोनरी साइनस। और इस कोरोनरी साइनस के ऊपर एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं थिबेसियन वाल्व। तो कितने वाल्व हो गए? बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, यूस्टेकियन वाल्व, थिबेसियन वाल्व। कितने हो गए? चार। उसके बाद में आ जाते हैं आपके दो वाल्व, है ना, दो आपके सेमी लूनर वाल्व होते हैं, सेमी लूनर वाल्व, ठीक है ना। ये सेमी लूनर वाल्व कहां होते हैं? तो आपका जो पल्मोनरी ट्रंक है और जो आपके ऑल्टा है, दोनों की जो ओपनिंग है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो कहां कहां प्रेजेंट होते हैं ये? ये आपकी पल्मोनरी ट्रंक एंड ओल्टा, ठीक है ना। यानी जो आपका फुफ्फुसीय महाकांड जो होता है वहां, और जो आपकी महाधमनी है वहां पर। तो ये रहा, देखिए आपकी जो राइट वेंट्रिकल है, ये रहा आपका राइट वेंट्रिकल, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी बायां निलय दायां निलय। दाएं निलय में अशुद्ध रुधिर होता है जो किसके द्वारा? जो फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। तो ये रहा आपका जो धमनी कांड, जो मैं आपको बता रहा हूं पल्मोनरी ट्रंक, ये रहा पल्मोनरी ट्रंक। इस पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा ब्लड किसके थ्रू जाएगा? तो ये एक वाल्व इसकी जो है जाने को कंट्रोल करता है कि ब्लड यहां से दाएं निलय से कहां जा रहा है? इसके अंदर जा रहा है। तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये। इधर से जो आपका प्योर ब्लड है वो किस में जाएगा? वो जाएगा आपका इस ओल्टा के अंदर। तो ओल्टा में जाने के लिए ये आपके वाल्व, तो ब्लू कलर का जो वाल्व आपको दिख रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सेमी लूनर वाल्व को। तो ध्यान में रखें, ये दोनों ही, ठीक है ना, एक ये और एक ये, दोनों क्या है आपके? दोनों है सेमी लूनर वाल्व। और सेमी लूनर का मतलब क्या होता है? सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर का मतलब होता है अर्ध चंद्राकार कपाट, अर्ध चंद्राकार कपाट। तो हो गए ना टोटल के टोटल छह वॉल। मैं बिल्कुल आपको सिक्वेंस से बता रहा हूं, पहले वॉल कैसी होती है, एट्रिया की पतली होती है, वेंट्रिकल्स की मोटी होती है, वॉल्स के बारे में, सारी लेयर्स के बारे में सारी अपन ने बात कर ली। उसके बाद में हमने बात की चारों चैम्बर्स की, चारों चैम्बर के बाद में हमने बात की है यहाँ पर किसकी, जो आपके सिक्स वॉल्व्स हैं उनकी हमने यहाँ पर बात कर ली। अब बात आ जाती है यहाँ पर डायग्रामेटिक फॉर्म में, जो कि ब्लड कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, उन सब की हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। उससे पहले कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स और हैं दो तीन, जिनको मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या होता है देखो, कि जो आपके वेंट्रिकल्स हैं, जो निलय है, इन निलय पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? उभार उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उभार। इनको हम बोलते हैं पैपिली, मस्कुलर पैपिली कह सकते हैं, या फिर आप इसको पैपिली कह सकते हैं, ठीक है ना। जो मसल्स के छोटे छोटे से क्या प्रेजेंट होते हैं? आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है, जो प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं उन प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? पैपिली के नाम से। तो ये रही आपकी, ये इधर भी पैपिली है, इधर भी आपकी ये क्या है? पैपिली। इन पैपिलियों से पतले पतले फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, और ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हैं ये आपके किससे अटैच होते हैं? ये आपके वाल्व से अटैच होते हैं, ताकि ये वाल्व को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से क्या कर सकें? रोक सकें। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, पतले पतले से, या आपके इस तरीके से, ये किससे अटैच है? देखो ये कहाँ से निकल रहे हैं, तो ये आपकी
पैपली से निकल रहे हैं और पैपली से निकल के और कहाँ अटैच हो रहे हैं, तो आपके जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व हैं वहाँ पर अटैच हो रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉर्डिया टेंडिनी, है ना। क्या कहते हैं इनको? कॉर्डिया टेंडिनी। और ये टेंडिनी, जो टेंडिनी या कॉर्डिया टेंडिनी है, ये क्या करती है? इन वाल्व्स को अपोजिट डायरेक्शन में खुलने से रोकती है, यानी कि जो ब्लड एक बार वेंट्रिकल में आ गया वो वेंट्रिकल से वापस कहाँ? एट्रियम में नहीं जा सके। तो रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड। मैंने आपको फर्दर कहा है कि जितने भी वाल्व्स हैं बॉडी के अंदर या जितने भी स्फिंक्टर्स हैं, वो सारे के सारे रिवर्स फ्लो को रोकने के लिए होते हैं, यानी एक बार वेंट्रिकल में जो ब्लड आ गया वो फर्दर वापस एट्रियम में नहीं जाए। तो ये जो वाल्व है ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं खुले, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा स्ट्रक्चर होता है? कॉर्डिया टेंडिनी होते हैं। क्लियर। उसके साथ में एक पॉइंट आपको और बता देता हूं, फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस, वॉट इज दी फोसा ओवेलिस? है फोसा ओवेलिस होता क्या है? फोसा ओवेलिस आपका एक कह सकते हैं छोटे से गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर होता है। किस पर प्रेजेंट होता है? जो आपका इंटर एट्रियलर सेप्टा है, इंटर एट्रियोलर सेप्टा या ऑरिकुलर सेप्टा आप कह सकते हैं, ऑरिकुलर सेप्टा पे प्रेजेंट होता है। और जब जब एम्ब्रियोनिकल स्टेज की बात कर लें या जब कोई बच्चा जन्म लेता है, है ना, बर्थ हो जाती है, उस टाइम पे ये जो आपके फोसा ओवेलिस है ये किस फॉर्म में होता है? ये एक पोर की फॉर्म में होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल। क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेल। तो इमेजिन कीजिए कि ये रहा आपका हर्ट, ये रहा हर्ट, इस हार्ट में कितने चैम्बर हो गए? ये चार चैम्बर हो गए। ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। दोनों के बीच में अगर यहां पर मैं कहूं कि कोई एक पोर प्रेजेंट है, तो प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा ना। तो ये जो फोरामेन ओवेल है ये कहाँ? ये आपके एम्ब्रियोनिकल स्टेज में प्रेजेंट होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे ये बंद हो जाता है एक खड्डे के रूप में, ठीक है ना। एक छोटा सा यहाँ पर क्या रह जाता है, इस तरीके से ये बंद तो हो जाता है लेकिन एक गड्ढे के रूप में रह जाता है। इसको आप बोलते हैं फोसा ओवेलिस। समझ में आ गई बात? तो ये एक स्ट्रक्चर और आपके किताब के अंदर दिया हुआ है आरबीएससी में, उसकी हमने बात कर ली। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म। अब बाकी जो पोर्शन रह गए हैं वो आपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़े हैं। क्या? कि लंग्स से ब्लड को कैरी करके और लेफ्ट एट्रियम के अंदर कौन लेके आता है? तो देखिए, लंग से ब्लड आ रहा है तो ब्लड जो है वो यहां से आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। ये दोनों कौन से क्या स्ट्रक्चर है, ये किसके थ्रू आएगा? तो ये है आपकी पल्मोनरी वेन्स, ये है आपकी पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसी शिराएं। और फुफ्फुसी शिराएं टोटल कितनी होती हैं? चार, जो आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर यानी बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर को लेकर आती हैं। तो ये तो हो गई आपकी दो लेफ्ट वाली, दो आपकी कहां प्रेजेंट है? राइट में। तो ये मैं यहां पर लिख देता हूं पल्मोनरी वेन, शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना। कौन सी वाली है? राइट, राइट साइड की पल्मोनरी वेन्स आपकी ये रही, एक ये रही, एक ये रही, टोटल कितनी हो गई? चार। अब समझना, इस मैकेनिज्म को समझा रहा हूं मैं, इस मैकेनिज्म को समझेंगे तो इसमें जो बाकी बची हुई सारी चीजें हैं ना वो आपको समझ में आ जाएंगी। लंग्स से पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड को लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में। तो ये जो चारों है ना, ये चारों क्या है? ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स। ये आपको चारों क्या मिलेंगी? ये मिलेंगे आपको ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन, ठीक है ना। यानी जो बायां आलिंद है, जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, उसमें ये पल्मोनरी वेन्स पोर के थ्रू खुलेंगी। तो ये आपके वो चारों पोर्स हैं, ठीक है। अब ब्लड कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा भैया? कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये आ गया ब्लड, और ब्लड यहाँ से यहाँ। तो डायरेक्शन देखिए आप जो है वो देखना, कि यहाँ से तो ब्लड आया है, फिर ये आपका
बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाएं निलय में। बायां निलय जब फिलअप होगा, भरेगा, तो ये ब्लड को कहां पंप करेगा, ये ब्लड को पंप करेगा ओर्टा के अंदर। तो ये रहा आपका ओर्टा, ठीक है ना। अब ओर्टा में ये जो आपको एक कर्व दिखता है, ये कर्व कौन सा है, तो ध्यान में रखें आप, ये है आपका सिस्टेमिक आर्क। इसको क्या बोलते हैं, इसको सिस्टेमिक आर्क के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो आर्क ऑफ ओर्टा भी इसको कह सकते हो। अब क्या होता है, देखो ब्लड यहां आ गया, यहां आने के बाद में जब ब्लड पंप होगा तो ये पंप होके किस में जाएगा, ओर्टा के अंदर, ये ओर्टा के अंदर चला गया। अब ओर्टा में क्या होता है, ये असेंडिंग ओर्टा वाला पोर्शन है, इसमें आपकी ये जो आर्टरी है, ये आपकी कौन सी है, ब्रेकियल आर्टरी है, ये आपकी कौन सी है, सबक्लेवियन, सबक्लेवियन आर्टरी हो गई, ये आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गई, ठीक है ना। तो ये आपकी डिफरेंट आर्टरीज हैं जो ब्लड को क्या करेंगी, सप्लाई करने का काम करेगी। अब देखो कि आपका जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो ओर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चला गया। बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाने के बाद में जो है इम्प्योर ब्लड वो कौन कैरी करेगा, वानाकावा कैरी करेगी। वानाकावा कैरी करके उसको कहाँ लेके आएगी, राइट एट्रिया के अंदर लेके आएगी। तो देखो वानाकावा में दो वानाकावा है आपकी, एक ये रही आपकी इन्फीरियर वानाकावा और एक ये रही आपकी सुपीरियर वानाकावा, ये रही आपकी सुपीरियर वानाकावा। सुपीरियर वानाकावा और इन्फीरियर वानाकावा, देखो सुपीरियर वानाकावा की ओपनिंग ये रही, इन्फीरियर वानाकावा की ओपनिंग ये रही। इन्फीरियर वानाकावा की ओपनिंग पर कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है, यूस्टेकियन वाल्व, ठीक है। अब ये ब्लड कहाँ आ गया आपका, राइट एट्रिया के अंदर आ गया, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से दाएं निलय में किसके थ्रू जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू चला जाएगा। ट्राइकस्पिड वाल्व में ब्लड आया, तो देखिए ब्लड का डायरेक्शन देख लेते हैं, ये ब्लड का डायरेक्शन है, ये आया इधर से और ये ऐसे आया, ये इधर आ गया, ये आपका कहाँ आ गया, वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अब वेंट्रिकल में आने के बाद में जो आपका सेमी लूनर वाल्व है, इधर भी ये सेमी लूनर वाल्व के थ्रू ओर्टा में जाएगा और इधर से ये सेमी लूनर वाल्व में आपका जो पल्मोनरी आर्क है ना, इसको आप पल्मोनरी आर्क कह सकते हो। तो ये मैं यहीं पर लिख देता हूँ, पल्मोनरी आर्क। अब देखिए ब्लड कहाँ आया आपका, ब्लड आ गया है आपका राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये सेमिलूनर वाल्व के थ्रू इस पल्मोनरी आर्क में जाएगा। पल्मोनरी आर्क में दो ब्रांचेज होती हैं, एक होती है आपकी लेफ्ट और एक होती है आपकी राइट। लेफ्ट और राइट दोनों ब्रांचेज से वो एट लास्ट कहाँ जाएगा आपका, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा और यहाँ प्योर होके और फर्दर वो किसके थ्रू, आपकी पल्मोनरी वेंस के थ्रू कहाँ आ जाएगा, यहाँ अंदर आ जाएगा। इस तरीके से ये साइकिल क्या रहता है, चलता रहता है। तो पूरी मैकेनिज्म भी यहाँ पर आ गई और पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपका यहाँ पर आ गया। तो आपको इस स्ट्रक्चर से इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को समझना है। बाकी जितने भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस डायग्राम में आ गई। तो ये थी बात आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी हार्ट।